बरेली भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक, असली गन्ना उपायुक्त बरेली का क्या घेराव। बरेली भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक असली ने गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर गन्ना उपायुक्त बरेली का घेराव किया और वहीं पर किसानों की पंचायत के किसानों की सभा को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष KPS राठौर फौजी ने कहा कि सरकार और प्रदेश सरकार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। किसानों के गन्ना आधे से ज़्यादा खरीद हो चुकी है, लेकिन किसानों को ये तक नहीं पता कि गन्ना बेचा तो कितने रुपये कुंटल बेचा। देश के अंदर किसान ही एक है जो सभी का पेट भर रहा है, लेकिन उसकी फसल की लूट की जा रही है। किसानों की गन्ना पर्ची के ऊपर गत वर्ष की तरह गन्ना के रेट लिखवाए जाएं और 15 रुपये केंद्र सरकार ने बढ़ाया उसे किसानों को दिलवाया जाए। किसानों की मांग है कि 450 प्रति कुंटल गन्ना का रेट तय करें। किसानों के दस्तावेज में कई गलतियां हो जाती हैं, उनका सुधार गन्ना सोसाइटी करती थी और इस बार से गन्ना आयुक्त के यहां से होता है, तो गन्ना सोसाइटी का क्या कार्य रहेगा। केवल किसानों की कमाई से अपनी तनख्वाह को निकालने का, या तो गन्ना सोसाइटी बंद करके कर दो या फिर किसानों के दस्तावेज में जो सुधार होना है वो गन्ना आयुक्त लखनऊ के यहाँ से हटाकर जिले की गन्ना सोसाइटी के द्वारा होना चाहिए। और किसानों का गन्ना भुगतान हजारों करोड़ों रुपए है, मैं ब्याज के होना चाहिए। अगर उपरोक्त समस्याओं का समाधान शीघ्र नहीं होता तो भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक प्रदेश स्तर पर चक्का जाम करेगी और इस दौरान किसी भी तरह की कोई घटना घटती है तो इसका पूर्ण जिम्मेदार प्रशासन होगा। धरना में रविंद्र सिंह पटेल, प्रताप सिंह, दुर्विजय सिंह, राजसूरज पाल सिंह, सुभाष पटेल, मोहम्मद सीमू, आकाश श्रीवास्तव, रविंद्र हवलदार खां, सब इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद शर्मा आदि किसान उपस्थित रहे। बरेली से मनीष कांत शर्मा की खास रिपोर्ट। ये मामला तो केंद्र सरकार ने डिक्लेयर क्यों किया, क्या लोलोपाप दे रही है कि किसानों को, जो हम 15 रुपए और एक्स्ट्रा दे रहे हैं। वो बढ़ाई है पिछले साल के, जो 2 साल 350 था पिछले साल और 350 और SAP है, स्टेट प्राइस है जी। अब केंद्र सरकार का प्राइस एक अलग होता, केंद्र सरकार का प्राइस एक अलग है जी। और जो उत्तर प्रदेश सरकार अपने से देती है वहाँ के रेट के यहाँ के किसानों को ज्यादा रेट देती है। अच्छा ठीक। और साहब ये बताएं, जैसे कि जो किसानों के लेखा जोखा में कोई त्रुटि हुई तो उसका कोई, ऐसे कोई गन्ना पर्ची में या उसके कहीं रकबा में किसी तरह का कोई त्रुटि हो गई तो उसकी समस्या का समाधान लखनऊ में होगा? सोसाइटी कर ही नहीं, वो तो लखनऊ में तो हो रहा है सब समाधान। सारा काम से होता है, आप अपना जो करना चाहना हो।